हाउ यू ऑल होप आर डूइंग वेल। आई एम तनुजा ढकवाल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ, अगर फीमेल के बच्चेदानी का मुंह, जिसे हम सर्विक्स भी बोलते हैं, अगर फीमेल के बच्चेदानी का मुंह बंद होता है तो फीमेल्स को प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो सकती। क्योंकि गाइज, कई केसेज में फीमेल्स के बच्चेदानी का मुंह बंद होता है और कई केसेज में फीमेल्स के बच्चेदानी का मुंह बहुत छोटा खुला होता है, जिसकी वजह से फीमेल्स को प्रेगनेंसी कंसीव करने में दिक्कत आती है। क्योंकि गाइज देखिए, सर्विक्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फीमेल्स के प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए। सर्विक्स का क्या फंक्शन है वो आगे हम समझेंगे, बट उससे पहले आप ये समझिए कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सर्विक्स होता कहाँ पे। तो गाइज ये देखिए, ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यहाँ पे आपको सबसे ऊपर यूट्रस दिख रहा होगा, नीचे वजाइना है, और उसी के बीच में एक डोनर शेप पे आपको मुंह टाइप का दिख रहा होगा। यूट्रस और वजाइना के बीच में यही होता है सर्विक्स। अगर गाइज ये क्लोज होता है या बहुत छोटा होता है तो इसकी वजह से स्पर्म एंटर ही नहीं कर पाता है यूट्रस के अंदर, और जिसकी वजह से फीमेल्स को प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पाती। इसके अलावा गाइज पूरी मेंस्ट्रुएशन साइकिल में सर्विक्स के थ्रू ही वजाइना से अलग अलग टाइप का डिस्चार्ज निकलता है। जैसे ओव्यूलेशन में ये डिस्चार्ज आपका कच्चे अंडे के वाइट पोर्शन की तरह हो जाता है, जो दर्शाता है कि आपका ओव्यूलेशन का टाइम चल रहा है, बट कई फीमेल्स में वजाइना से डिस्चार्ज निकलता ही नहीं है। तो हो सकता है कि उनका सर्विक्स क्लोज हो या उनका सर्विक्स बहुत ज़्यादा छोटा हो, जिसकी वजह से उन्हें प्रेगनेंसी कंसीव करने में दिक्कत आ रही हो। तो आज के वीडियो में हम ये जानेंगे कि सर्विक्स क्लोज होने के या छोटा होने के क्या लक्षण होते हैं, क्या कारण होते हैं, और मेडिकली इसे कैसे डायग्नोज किया जाता है, मेडिकली इसे कैसे ट्रीट किया जाता है। अगर मेडिकली आप पहले नहीं ट्रीट कराना चाहते और होम रेमेडीज़ फॉलो करना चाहते हैं, तो इसकी क्या होम रेमेडीज़ होती हैं, आज के वीडियो में ये सब मैं आपको बताने वाली हूँ। वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड बगल में ही बेल आइकन दिख रहा होगा उसे भी प्रेस कर दें, ताकि ऐसे ही मेरे वीडियोज़ की अपडेट आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ क्लोज सर्विक्स होने के क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या लक्षण होते हैं, कैसे आप पहचान सकते हैं कि आपका सर्विक्स क्लोज है या सर्विक्स का मुंह बहुत छोटा खुला हुआ है, जिसकी वजह से आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने में दिक्कत आ रही है। तो देखिए गाइस, जिन भी फीमेल्स का सर्विक्स क्लोज रहता है, उन फीमेल्स को पीरियड के दौरान बहुत ज़्यादा पेन होता है, यानी अनबियरेबल पेन होता है। साथ में कॉन्टैक्ट के दौरान भी पेन होता है, या आपके इरेगुलर पीरियड्स है, प्रेगनेंसी कंसीव करने में दिक्कत आ रही है, या इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है, या पेल्विक एरिया में आपको गांठ जैसा फील होता है। बिकॉज देखिए गाइस, अगर आपका सर्विक्स क्लोज है तो जो फ्लूइड है उसका एक्युमुलेशन आपके यूट्रस के अंदर ही हो जाएगा, और जिसकी वजह से जो फ्लूइड है बाहर नहीं निकलेगा, और कई बार इस केस में क्या होता है कि इन्फेक्शन हो जाता है और पस का भी एक्युमुलेशन हो जाता है, जिसकी वजह से सर्विक्स क्लोज्ड भी हो सकता है, सर्विक्स का मुंह बहुत छोटा खुला हो सकता है, और जिसकी वजह से फीमेल्स को प्रेगनेंसी कंसीव करने में दिक्कत आती है। इसके अलावा गाइस, कई केसेस में सर्विक्स क्लोज होने की वजह से यूट्रस में पीरियड का ब्लड बिल्ड हो जाता है, जिसकी वजह से कई फीमेल्स में ये एंडोमेट्रियोसिस होने का कारण भी बन जाता है, और जिसकी वजह से फीमेल्स को प्रेगनेंसी कंसीव करने में दिक्कत आती है। अगर ऐसे कुछ लक्षण आप फेस कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपका सर्विक्स क्लोज हो या सर्विक्स का मुंह बहुत छोटा खुला हो बिकॉज ऑफ इन्फेक्शन, या सर्विक्स में आपका सूजन हो गया है जिसकी वजह से सर्विक्स का मुंह बहुत ज़्यादा छोटा खुला हुआ है, और जिसकी वजह से आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने में दिक्कत आ रही है। अब मैं आपको बताती हूँ ये किन कारणों की वजह से होता है गाइस। तो जिन भी फीमेल्स का कोई भी यूट्रन सर्जरी हुई है, या डीएनसी हुई है, अर्ली मिसकैरेज है, सिस्ट की प्रॉब्लम है, एबनॉर्मल ग्रोथ है आपके यूट्रस में, या गाइस कुछ रेडिएशन थेरेपी आपकी हुई है, जिस वजह से हो सकता है कि आपका सर्विक्स क्लोज हो या सर्विक्स का मुंह छोटा खुला हुआ, और जिसकी वजह से आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने में दिक्कत आ रही हो। तो अब मैं आपको ये भी बताती हूँ कि मेडिकली ये कैसे डायग्नोज होता है और मेडिकली ये कैसे ट्रीट होता है। उसके बाद अगर आप मेडिकल ट्रीटमेंट पहले नहीं लेना चाहते हैं तो मैं आपको ये भी बताऊँगी इसकी क्या होम रेमेडीज़ है, होम रेमेडीज़ को फॉलो करके किस तरीके से अपने क्लोज सर्विक्स को आप ओपन कर सकते हैं। कि अगर आप मेडिकली सर्विक्स को डायग्नोज करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपका सर्विक्स खुला हुआ है या बंद है, तो डॉक्टर सबसे पहले आपके पेल्विक का एग्जामिनेशन करता है। पेल्विक के एग्जामिनेशन होता है एक टूल से, जिसे हम स्पेकुलम कहते हैं। स्पेकुलम वजाइना के अंदर डाला जाता है बड़े ही केयरफुली ढंग से। इससे पता चलता है कि सर्विक्स का कैसा टेक्स्चर है, साइज है, कलर है, कुछ एबनॉर्मेलिटीज़ तो नहीं है, कोई सिस्ट तो नहीं है। अगर कुछ एबनॉर्मेलिटीज़ दिखाई देती हैं, पता चलता है कि सर्विक्स बहुत छोटा खुला हुआ है या सर्विक्स बंद है, इस कंडीशन में अगेन एक इन्वेस्टिगेशन टूल पास किया जाता है, और उसके थ्रू पता चल जाता है कि फीमेल का सर्विक्स खुला हुआ है या बंद है। अगर बंद है तो उसे हम सर्वाइकल स्टेनोसिस भी कहते हैं, और इसे कैसे ट्रीट किया जाता है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। ये सर्विकल स्टेनोसिस के केस में, जिसे हम क्लोज्ड सर्विक्स भी बोलते हैं, इस केस में क्या होता है, डॉक्टर ट्रीट करने के लिए सबसे पहले फीमेल की एज जानती है, फीमेल को क्या सिम्टम्स हो रहे हैं, फीमेल्स प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहती है या नहीं करना चाहती है।
अगर फीमेल प्रेगनेंसी कंसीव नहीं करना चाहती है तो कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है, अगर फीमेल प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहती है तो इस केस में डॉक्टर ट्रीटमेंट करता है। डॉक्टर सर्विक्स के थ्रू एक छोटी सी डिवाइस डालता है जो डिवाइस आपके सर्विक्स को एक्सपेंड करने में मदद करती है, सर्विक्स को स्ट्रेच करने में मदद करती है और जिससे फीमेल्स के प्रेगनेंसी कंसीव करने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो गाइज़ ये तो चीज़ मैंने आपको बताया कि मेडिकली कैसे डायग्नोस होता है, कैसे ट्रीट होता है और कैसे पता चलता है कि सर्विक्स खुला है या बंद है। अब मैं आपको होम रेमेडीज़ भी बता देती हूँ, बिकॉज कई फीमेल्स प्रेफर करती हैं कि पहले वो होम रेमेडीज़ फॉलो करें, अगर होम रेमेडीज़ काम नहीं करती हैं तो सेकेंड ऑप्शन होता है कि वो मेडिकली ट्रीट कराएँ। तो होम रेमेडीज़ में सबसे पहले आपको ऐसी एक्सरसाइज करनी है जो आपके पेल्विक एरिया को स्ट्रेच करें, क्योंकि अगर आपका पेल्विक एरिया स्ट्रेच होगा तो सर्विक्स भी आपका नेचुरल ढंग से एक्सपेंड होगा, नेचुरल ढंग से सर्विक्स भी स्ट्रेच होगा जिससे फीमेल्स के प्रेगनेंसी कंसीव करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो इस केस में आप सूर्य नमस्कार कर सकते हैं, बटरफ्लाई पोज कर सकते हैं, ऐसे बहुत से पोज हैं गाइज जो पर्टिकुलर आपके पेल्विक एरिया को कवर करते हैं। तो ऐसे आप गूगल कर सकते हैं कि कौन सी ऐसी एक्सरसाइज है, उन एक्सरसाइज को कीजिए, साथ में वॉक भी कीजिए। वॉक करने से आपकी पूरी बॉडी का ब्लड फ्लो अच्छा रहता है, ब्लड फ्लो अच्छा होगा तब जाके फीमेल्स के प्रेगनेंसी कंसीव करने के चांसेस बढ़ेंगे। साथ में फीमेल को स्ट्रेस नहीं लेना है, क्योंकि अगर आप सारी एक्सरसाइज कर रहे हैं, सब योगा कर रहे हैं और साथ में स्ट्रेस भी ले रहे हैं तब भी आपकी बॉडी काम नहीं करती है, इसीलिए आपको स्ट्रेस भी नहीं लेना है। आपको काम करना है अपनी प्रॉब्लम में जिससे आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो पाएगी। अगर आप काम करेंगे तो नेचुरल ढंग से आपका सर्विक्स भी एक्सपेंड होगा, सर्विक्स भी ओपन हो जाएगा और आपको प्रेगनेंसी भी कंसीव हो पाएगी। इसके साथ आपको एक बात का और ध्यान रखना है कि आपकी डाइट भी हेल्दी होनी चाहिए, प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए डाइट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। गाइस अगर आपके सर्विक्स में कोई इन्फेक्शन हो गया या इन्फ्लेमेशन है यानी सूजन की प्रॉब्लम हो गई, तो इसके लिए है कि आप अजवाइन की ध्वनि भी ले सकते हैं। अजवाइन की ध्वनि को लेने का सही तरीका क्या है, किस तरीके से लेना है, उसके लिए मैंने वीडियो बनाई है, लिंक मैं ऊपर डाल दे रही हूँ, उसे जाके आप चेक कर सकते हैं। अगर आपका सर्विक्स क्लोज नहीं है, ओनली इन्फेक्शन हुआ है, तो वो होम रेमेडी आपके काम आएगी। अगर ये सारी चीज़ें आप करते हैं लगातार तो आपको नेचुरल ढंग से प्रेगनेंसी कंसीव हो सकती है। एंड गाइज यही है आज का वीडियो, होप करती हूँ इस वीडियो से कुछ हेल्प मिलेगी आपको। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, विल सी यू सून इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।